अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त सा हेयर कट बताऊंगी। ये मल्टी लेयर्स में हेयर कट है, लेकिन आप इसको बहुत इजी तरीके से घर पे भी कर सकते हैं और होता भी बहुत जल्दी है। विद इन 5 मिनट अगर आप चाहें तो ये कट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि बालों को अच्छी तरह वेट कर लें। तो यहाँ पे जो मेरे पास बाल छोटी बच्ची के हैं, इसके बाल एक तो हेल्दी भी बहुत ज़्यादा थे और उसके साथ साथ कर्ल भी थे, तो मैंने इन्हें अच्छी तरह वेट कर लिया था। तो आपने ईयर टू ईयर पार्टीशन कर लेनी है। आगे वाले बाल जो होंगे वो लेग से कैच करने हैं, जैसे कि मैंने ईयर टू ईयर बाल लिए हैं, आप देख लें। इस सेक्शन को हमने नहीं छेड़ना, लास्ट पे हम इस सेक्शन को छेड़ेंगे। सबसे पहले हम पीछे वाले बालों को सेट करेंगे। अगर तो आपके बालों की लेंथ ज़्यादा है या आप कोई कट देना चाहते हैं यू वी या स्ट्रेट जो भी, लेकिन मोस्टली इसमें यू कट होता है जो मैं ये मल्टी लेयर्स कर रही हूँ। इस हेयर कट में या तो आप यू कर सकते हैं या आप वी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसका हल्का सा वी कट किया था ताकि बालों की थोड़ी सी लेंथ कम हो जाए। एक दफ़ा आप अभी हल्का सा वी कट या यू कट कर लें, इसके बाद आप लास्ट में अगेन जब चेक करेंगे जो आपको थोड़े बहुत बाल आगे पीछे लगेंगे आप दोबारा से कट कर लेना। इसके बाद आपने सारे बालों को एक ही दफ़ा उठा लेना है। एक ही दफ़ा आपने सारे बालों को 90 डिग्री पे उठा के करना है। देखें, आस्ता आस्ता आपने नीचे से बालों को ऊपर तक लेके जाना है। इतना ऊपर करना है कि बाल 90 डिग्री तक आप कैच कर लें। इसके बाद आपने जितनी भी बालों की लेंथ कट करनी है आप उतनी कट कर लें। देखें जिस तरह मैं 90 डिग्री पर लेके जाके बालों को कट कर रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत ये मल्टी से आपके लिए आएंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ और बहुत इजी हेयर कट है, आप चाहें तो घर पे भी कर सकते हैं। ये देखें, आप देख सकते हैं कि इसमें कितने ज़्यादा लेयर बन गए हैं और वो भी विद इन 5 मिनट में। देखिए, करीब से भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा लेयर इसके बन चुके हैं। अब हम आगे वाले बालों को कट करेंगे। तो पीछे वाले जो बाल मैंने कट किए थे 90 डिग्री से, उससे मैं गाइडलाइन ले लूँगी थोड़े से बाल, तो आगे वाले बालों को सेट करूँगी। ये देखिए, अच्छी तरह सेट करने के बाद आपने गाइडलाइन लाजमी देखनी है, क्योंकि उसी गाइडलाइन के मुताबिक आप अगले बालों को कट करेंगे। देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ ये वाली गाइडलाइन है, इसके मुताबिक अब हम इसका कट करेंगे। आगे वाले बालों पर भी हमारा कट हो चुका है। अब ये वाले बाल जब मैं पीछे की साइड करूँगी तो उसमें और ज़्यादा लेयरिंग आ जाएगी, छोटे छोटे ऊपर से लेके नीचे तक बहुत ज़्यादा स्टेप बन जाएंगे। मल्टी स्टेप्स में ये बहुत अच्छी कटिंग है। अगर आप करना चाहें तो आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। और अगेन हम एक दफ़ा सारे बालों को काम करेंगे। काम करने के बाद हम बालों को चेक करेंगे। अगर आपने लेंथ और ज़्यादा कम करनी है तो थोड़ी सी आप लेंथ कम कर सकते हैं। ये देखिए, बहुत ईजी सा मेथड मैंने आपको बताया। बस आपने डिग्री का ख्याल रखना है कि आपने जो फ्रंट वाले बाल हैं वो दोनों स्ट्रेट ला के अपने कैचर से कैच कर लेने हैं, या किसी भी चीज़ से वो अलग रखने हैं। पोनी से भी आप कैच कर सकते हैं। इसके अलावा जो बैक वाले बाल होंगे उनको 90 डिग्री पे लेके जाके जब आप कट करेंगे तो तब जाके ये वाली स्टेप बनेंगे मल्टी लेयर्स जो मैंने आपको दिखाए हैं। तो जितने ऊँचे आप स्टेप वाइज बाल लेके जाएंगे उतना अच्छा आपकी वो लेयरिंग आएगी। तो अगेन मैंने सारे बाल चेक कर लिए हैं। जो आपको कमी बेशी लगती है, मतलब आपने और लेंथ छोटी करनी है तो आप और लेंथ छोटी कर लें। इतने कम टाइम में इतना अच्छा कट कोई भी नहीं बताता। ये मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि अगर आप अपना हेयर कट या अपने किसी जानने वाले का हेयर कट घर में करना चाहते हैं तो आप इजीली ये वाला हेयर कट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सारे बालों को चेक कर लिया था। तो होप सो आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में भी याद रखें और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें। अल्लाह हाफिज़।